रामपुर शाहबाद में रामपुर सदर तहसील द्वारा भाकियों कार्यकर्ताओं पर थाने में मुकदमा दर्ज कराने के विरोध में तहसीलदार का पुतला फूंका गया एवं कहा गया कि धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। शाहबाद नगर के बिलारी शाहबाद बस अड्डे के निकट भाकियों टिकैत के जिलाध्यक्ष दरियाव ने प्रदर्शन किया। कहा कि रामपुर सदर तहसीलदार ने जो हमारे भाकियों कार्यकर्ताओं पर झूठा मुकदमा थाना गंज में दर्ज कराया है उसे वापस लिया जाए, अन्यथा भाकियों रोजाना धरना प्रदर्शन करेगी। भाकियों कार्यकर्ताओं ने तहसीलदार का जैसे ही पुतला फूंका स्थानीय प्रशासन को भनक लग गई। सूत्रों के मुताबिक शहबाद में भी मुकदमा दर्ज करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। प्रदर्शनकारियों में बुंदु फौजी अखलाक अहमद, सरफराज हुसैन, राजपाल सिंह, विजयपाल सिंह, राजवीर सिंह, रंजीत यादव, गयास मोहम्मद, मदन लाल, नईम अहमद, सोमपाल, करण सिंह, हरदयाल आदि मौजूद रहे। ये तहसीलदार सदर रामपुर का क्या मामला था, उससे क्या मामला? ये 27 तारीख को हमारा पूरे प्रदेश में बिजली की दरें घटाओ, वसूली स्थगित करो, किसानों को कर्जे माफ करो, सिंचाई फ्री करो किसान की, इन मांगों को लेकर पूरे प्रदेश में हमारा धरना प्रदर्शन था एक दिवसीय, और हर तहसील में ज्ञापन दिया गया। तहसीलदार सदर ने हमारे कुछ लोगों को भगाने के लिए झूठा मुकदमा हमारे 17 लोगों के खिलाफ दर्ज कराया है। जब तक वापस नहीं होगा तब तक हम आंदोलन करते रहेंगे। किस बात का मुकदमा दर्ज कराया आपके कार्यकर्ताओं पर? अरे झूठ बोलकर ये हमारे सारे कागज फाड़ दिया, बुलेट फाड़ दिया, और बदतमीजी की, गाली गलौज की, जाति सूचक सब किए, और ऐसा कुछ नहीं है, सब झूठ है। किसी वरिष्ठ कार्यकर्ता या पदाधिकारी के नाम भी FIR हुई है? जी हाँ, जिलाध्यक्ष, जिलाध्यक्ष क्या नाम है उनका? हसीब अहमद। तो ये आप जो है कहाँ करेंगे, ये अलग अलग जगहों पे करते रहेंगे? हर तहसील में आंदोलन होगा, हर जिले में आंदोलन होगा, पूरे प्रदेश में आंदोलन होगा, रोड जाम करेंगे, रेल रोकेंगे, सब कुछ करेंगे, जो भी कर सकते हैं करेंगे। क्या मांग है आपकी, मुख्य मांग क्या है? अब मांगिए मुकदमा वापस लो।